हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के आप इसकी प्रीवियस वीडियोज़ को भी अच्छे से ज़रूर देख लें, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। बोल रहा है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रैंगल इज 7 सेंटीमीटर। तो एक राइट एंगल ट्रैंगल है, एक राइट एंगल ट्रैंगल बना लेते हैं ज़रा। बोल रहा है जो इसका ऑल्टीट्यूड है ना, जो इसका ऑल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो भाई आपको पता होगा कि ये जो परपेंडिकुलर है इसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, ठीक है ना। जो हमारा परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वही क्या होता है, ऑल्टीट्यूड, हाइट। बहुत सारे नाम होते हैं इसके, परपेंडिकुलर हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, हाइट हो गया, और ये होता है इसका बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है भाई। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस, लेकिन परपेंडिकुलर को ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, समझ रहे हो। इसमें बोल रहा है जो इसका परपेंडिकुलर है, मतलब जो इसकी ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है। अगर मान लो बेस 10 है, अगर मान लो बेस 10 है तो परपेंडिकुलर कितना है, 3, 7 कम। अगर 15 है तो 8 है, 7 कम, समझ रहे हो। अगर मैं बेस को x मान लूं तो ऑल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी, x में 7 कम, ठीक है भाई, ये चीज़ समझ लो बस। तो मैंने मान लिया लेट, बेस क्या मान लिया, x, तो ऑल्टीट्यूड क्या हो गई, बेस में 7 कम, तो बेस तो एक्स है उसमें 7 कम कर दिया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, हाइपोटेन्यूस दे रखा है, बहुत ही गजब, ठीक है भाई। बोल रहा है फाइंड द अदर टू साइड्स, एक साइड दे दी है, बोल रहा है बाकी दो बताओ। तो भाई आपने एक मैथमेटिशियन का नाम सुना होगा, पाइथागोरस। तो यहां पर हम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई कोई भी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसके हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो यही थ्योरम हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ए बी मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बी सी मतलब बेस का स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर मतलब ए सी के स्क्वायर के। ये जी समझ गए आप, देखो इसको यहाँ पर लिखो है, यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। पी स्क्वायर बी स्क्वायर को पहले लिख दिया मैंने, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर हो गया। मुझे बताओ ए बी जो कि हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना है, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, और बी सी जो कि बेस है वो है एक्स का स्क्वायर, और ए सी जो कि 13 है वो है 13 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं और पहले इक्वेशन बिल्कुल तैयार करते हैं अपनी। तो ये लगेगा ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2, ए एक्स है और बी 7 है, प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो गया 169, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 7 14x प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 169। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, और फिर हो गया माइनस का 14x, और ये हो गया प्लस का 49, 169 इधर आकर हो गया माइनस। आपको इक्वेशन बनानी है इस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जब आप इक्वेशन बना रहे हो तो पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर वाली आ गई, एक्स वाली भी आ गई, दोनों को माइनस करा तो 120 आया, ये भी बन गया। अब इक्वेशन बनाने के बाद आपको इस बात पर ध्यान देना है कि क्या इक्वेशन में कोई नंबर कॉमन आ रहा है, तीनों नंबर क्या किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि तीनों 2 के टेबल में जा रहे हैं, ये तीनों 2 के टेबल में जा रहे हैं। तो इससे होता क्या है, हमारी इक्वेशन ना थोड़ी छोटी हो जाती है,
कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो मैंने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन में से टू क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर, टू के टेबल में 14 आता है 7 पर, टू के टेबल में 120 आता है 60 पर, इक्वल्स टू 0। फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा और 0 बाई 2 आप जानते ही होंगे 0 होता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई मेरी फाइनल इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर कर देते हैं। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम इसके रूट्स निकालेंगे। तो क्या मेथड होता है वो, देखिए अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने इसकी वीडियो पहले ही बना दी है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो आई बटन पे जाकर के आप फैक्टराइजेशन मेथड को समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आता है तो भाई समझना शुरू करते हैं दोबारा से। 1 को मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1, उसको मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। तो आया माइनस का 60, और बीच में जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो भी लिख दो, माइनस का 7। अब आपको दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 60 बनता हो, दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 60 बनता हो। आप कहोगे 1 और 60, भाई 1 और 60 ठीक है 60 बनता है, लेकिन दोनों को प्लस करने पर और दोनों को माइनस करने पर 7 आना चाहिए, 1 और 60 पर तो वो पॉसिबल नहीं है। तो 2 के टेबल में आता है ये 30 पर, लेकिन 30 और 2 भी प्लस करने पर माइनस करने पर 7 नहीं देगा। 3 के टेबल में 20 पर, वो भी नहीं होगा। 4 के टेबल में 15 पर, वो भी नहीं होगा। 5 के टेबल में ये आता है 12 पर, ये हो गया सेटम सेट। अरे 12 और 5, दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 60 आ रहा है, वो आ रहा है 5 और 12, और दोनों को माइनस करने पर 7 भी आता है, माइनस 7। अब आपको क्या करना है, आपको नंबर मिल गए 12 और 5। अब इनके आगे साइन लगाने हैं इस तरीके से कि माइनस 7 मिल जाए। तो आप कहोगे माइनस का 12 ले लो और प्लस का 5 ले लो। तो हुआ क्या, माइनस 7x टूट गया किस में, माइनस के 12x में और प्लस के 7x में, और ये हो गया 5x में, और ये हो गया 60 इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से कॉमन पकड़ेंगे, कॉमन आ रहा है x, बचेगा x माइनस 12, एक x कॉमन आया, बचा एक x, x कॉमन 12, और इन दोनों में से दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 5 के टेबल में। तो यहाँ पर बचा x, 5 के टेबल में 60 आता है 12 पर। तो दोनों ब्रैकेट में से जो कॉमन ब्रैकेट है वो एक बार लिखेंगे और बाहर वाले नंबर दूसरे ब्रैकेट में, इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 12 के आगे 0, x प्लस 5 के आगे 0, x हो गया 12, x हो गया माइनस 5। अब मुझे बताओ क्या साइड कभी नेगेटिव हो सकती है, ट्रायंगल की साइड नेगेटिव हो जाएगी, नहीं। तो मुझे इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट। तो लिखेंगे साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो मतलब इसका जो आंसर है ना वो 12 है, यानी कि अगर बेस 12 होगा तो ऑल्टीट्यूड क्या होगा, 7 कम जो कि 5 हो गई, समझ रहे हो, 12 और 5 इसका आंसर होगा। 6 पे चलते हैं। 6 में बोल रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है भाई, एक दिन में कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है, कितने प्रोड्यूस कर रही है उसकी जानकारी अभी हमें नहीं है, 10 कर सकती है, 15, 20, 25, हमें नहीं पता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। देखो भाई बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो गया अब तो क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है ये इट वॉज ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व किया गया किसी भी दिन, कोई भी दिन गए ऑब्जर्व करा, क्या ऑब्जर्व करा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, फॉर वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके डबल से 3 ज्यादा। देखो अभी मैं लिख के बताता हूँ, ये हो सकता है दिक्कत आ रही हो। तो इसमें बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए हमें वो बताना है और एक आर्टिकल की कॉस्ट बतानी है। देखो भाई सबसे पहले आप क्या करो, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हुए उसको क्या मान लो, एक्स मान लो। देखो भाई उस दिन जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स।
अब मैं निकालता हूँ कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। देखो भाई अब फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। मैंने मान लिया एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, एक्स। अब वो देखो क्या बोल रहा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या है, वो है वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। बोल रहा है जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसका डबल, देखो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसका डबल में 3 मोर देन, 3 ज्यादा। ठीक है भाई, एक दिन में मैंने मान लिया आर्टिकल प्रोड्यूस हुए एक्स, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या बन रही है, जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसका डबल 3 ज्यादा, डबल में 3 ज्यादा। देखो जैसे मान लो 10 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, 10 आर्टिकल, तो एक की कॉस्ट क्या हुई, एक की, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसका डबल से 3 ज्यादा, मतलब एक की कॉस्ट कितनी हो गई, 23 रुपये, कुछ ऐसा बोल रहा है वो। तो जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसके डबल में 3 ज्यादा। ठीक है अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज। बोल रहा है जो जिस दिन आप ऑब्जर्व करने गए उस दिन 90 रुपये की आर्टिकल बनी, 90 रुपीज की आर्टिकल्स बनी, तो आपको बताना है कितनी आर्टिकल्स बनी और एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है। देखो भाई अब ये जो 90 रुपीज दे रखा है ना, ये एक दिन का प्रोडक्शन है, एक दिन का प्रोडक्शन 90 रुपीज है। देखो भाई इसके अंदर ना टोटल तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं ये समझो। देखो एक आता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, पहली चीज है कि कितनी आर्टिकल प्रोड्यूस हुई, उसके बाद कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, दूसरा आता है ये, तीसरा आता है टोटल प्रोडक्शन इन रुपीस। ये तीन चीजें, ठीक है भाई। जैसे मान लो 10 आर्टिकल प्रोड्यूस हुई तो एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, इसके डबल में 3 ज्यादा, तो कितनी, 23 रुपये। तो अगर मैं आपको बताऊं टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ भाई, 10 आर्टिकल प्रोड्यूस हुई, एक की कॉस्ट है 23 रुपये, तो कैसे निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 230 रुपये, ऐसे ही तो होगा। मान लो 5 आर्टिकल प्रोड्यूस हुई तो एक की कॉस्ट क्या हुई, डबल, इसका डबल, 5 का डबल कितना होता है 10, 10 में 3 ज्यादा, मतलब 13 रुपये। और टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई, 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 65। समझ में आ रहा है, ये एक दिन का प्रोडक्शन कॉस्ट है टोटल। भाई आपको नंबर ऑफ आर्टिकल पता है, आपको उनकी कॉस्ट पता है एक की, तो मल्टीप्लाई करके टोटल पैसा ही तो आ जाएगा। अब बात समझो कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ एक्स, एक की कॉस्ट क्या है 2x+3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो एक दिन की कॉस्ट आएगी, और वो कॉस्ट कितनी दे रखी है, 90 रुपये, यानी कि एक्स इंटू में 2x+3 कितना दे रखा है, 90 रुपये। समझ रहे हो आप, एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया, अगर 10 आर्टिकल प्रोड्यूस हो रही है तो एक की कॉस्ट हो गई 23 रुपये, टोटल कितनी हो गई, मल्टीप्लाई कर दो। अगर 5 आर्टिकल प्रोड्यूस हो रही है, एक की कॉस्ट हो गई 13 रुपये, मल्टीप्लाई कर दो टोटल के लिए। अगर एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हो रही है, एक की कॉस्ट है 2x+3, तो मल्टीप्लाई कर दो, और जितना प्रोडक्शन हुआ वो दे रखा है आपको 90 रुपीज़। ठीक है भाई अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स इंटू 2x कितना हो गया, 2x² + 3x, एक्स इंटू 2x 2x, 2x² और एक्स इंटू 3 3x, प्लस का 90 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 90। अब इक्वेशन आपकी बन चुकी है x² x और कॉन्स्टेंट में। अब आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -90 से, तो आएगा -180, और बीच में लिखा हुआ है +3, दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 180 आता हो, तो इसके नंबर हैं 15 और 12। 15 × 12 होता है 180, ठीक है भाई, और इन दोनों को माइनस करोगे तो 3। बता देता हूँ कैसे आया, काफ़ी बड़े नंबर हैं, हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो देखो 2 के टेबल में किस पे आ रहा है, 90 पर, 2 के टेबल में किस पर आ रहा है, 45 पर, 3 के टेबल में किस पे आ रहा है, 15 पर, 3 के टेबल में 5 पर, 5 के टेबल में। तो जब भी आपको नंबर निकालने में दिक्कत हो तो आपको क्या करना है, उनका एलसीएम निकालना है। अब देखो ये हो गया 5 × 3 = 15, और 3 × 2 = 6 × 12, तो 15 और 12 ऐसे दो नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 180 आ रहा है। अब आपको देखना है कि 15 और 12 के आगे क्या साइन लगाऊं कि प्लस का 3 आ जाए, तो आप कहोगे प्लस का 15 ले लो,
और माइनस का 12 ले लो। तो पहला नंबर सेम, 3 टूट गया किसमें, प्लस के 15x में और माइनस के 12x में, माइनस का 90 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से भैया सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो बचा 2x प्लस 15। इन दोनों में से माइनस तो कॉमन लेना ही है क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो इधर भी प्लस होना चाहिए। दोनों किसके टेबल में आते हैं, दोनों 6 के टेबल में आते हैं, तो 6 के टेबल में 12 आता है 2 पर, माइनस कॉमन ले चुका हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, 6 के टेबल में 90 आता है 15 पर। तो एक ब्रैकेट में हो गया 2x प्लस 15 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक बार 2x प्लस 15 के आगे 0, एक बार x माइनस 6 के आगे 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6, यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 15/2। अब मुझे बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि माइनस 15/2 आर्टिकल प्रोड्यूस हो गई? नेगेटिव नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो सकती है क्या? नहीं। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा रिजेक्ट। मतलब कि एक दिन में 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुई, देखो एक दिन में 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुई और एक की कॉस्ट क्या है, इसका डबल में 3 ज़्यादा, तो 6 का डबल 12, 12 और 3 ₹15 एक की कॉस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। अगर मेरे पढ़ाने में आपको कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तब भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।